अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों के नाक में वदूद वगैरह बन चुके हैं और डॉक्टर हजरत ने आपको ऑपरेशन की नौबत बता दी है, तो वो ऑपरेशन करवाने की बजाय आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर आप अपने नाक में जो वदूद हैं उसका कमाल देखना कि वो कैसे गायब होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों को के नाक में गदूद बन चुके हैं वो लोग रात के खाना खाने के बाद 2 से 3 अदद इलायची 1 कप पानी में डालकर उसे खूब अच्छे तरीके से पकाएं। जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीम गर्म पी लें। ये अमल आपने 1 महीना लगातार करना है, फिर अपना आपने चेकअप करवाना है। अगर फिर भी हल्का मुल्का कोई मसला है तो आप इसको इससे ज़्यादा मर्तबा पी सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।